नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। पीलीभीत संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला किसान का शव। खेत पर काम करने गया किसान का मिला शव, ये देख किसान के परिजनों में सन्नाटा सा छा गया। खेत में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। किसान को खेत में पड़ा देख आनन फानन में परिजन पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि पूरनपुर पंचखेड़ा निवासी हरजिंदर सिंह खेत पर गया हुआ था। वहां ही संदिग्ध इस परिस्थितियों में वहां मोड़ पर पड़ा हुआ दिखा, जिसकी जानकारी परिजनों को मिलते ही परिजन खेत में पड़े किसान को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरनपुर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने किसान हरजिंदर सिंह को देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में किसान की मौत की सूचना मिलने के बाद पूरनपुर पुलिस के क्षेत्रीय अधिकारी वीरेंद्र विक्रम सिंह व कोतवाली प्रभारी अशोक पाल सहित पुलिसकर्मी मौके पर अस्पताल पहुंच गए। वहीं घटना की जानकारी लेते हुए पुलिस ने मृत किसान का शव अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी वीरेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि अभी मृतक के परिजनों की ओर से कोई भी तहरीर या किसी भी तरह की घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई है। किसान की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जीवन 24 के लिए पीलीभीत से राजेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। कैसे हुआ ये सब, क्या मामला? रामपुरा में एक व्यक्ति जो है खेत में मिलता हुआ उसका मिला है, जो इसके शरीर को यहाँ पे लाया गया है, डॉक्टरों ने इसे कर दिया है, तत्पश्चात जो है पंचायत समाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ये जमीन विवाद है क्या है सर? अभी इस संबंध में किसी प्रकार का अभी छानबीन चल रही है, जांच के पश्चात ही मालूम चलेगा कि कैसे क्या हुआ। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मालूम चलेगा मृत्यु का कारण क्या।